नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप अपने आयुष्मान कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। आप बिना किसी दुकान पे गए हुए ही आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे चेक कर सकते हैं और आप अपने आयुष्मान कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज हम ये बताने वाले हैं कि जो 5 लाख तक आपको फ्री यानी मुफ्त इलाज के रूप में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपका, तो उसको कैसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, आप अपने आईडी प्रूफ के जैसे उसको रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं और आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उस कार्ड का क्या महत्व है, सब कुछ हम बताने वाले हैं और आप उस कार्ड को कैसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप कहीं मत जाइए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं आप तक पहुंचे तुरंत। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर देना है आयुष्मान। आयुष्मान ऐप को टाइप कर देना है और यहाँ पे आयुष्मान ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, इस ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आयुष्मान कार्ड बनना हुआ और भी आसान, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख तक मुफ्त इलाज, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, अब जो लॉगिन वाले ऑप्शन दिया हुआ है, इस वाले लॉगिन ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बेनिफिशियरी और यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है। तो आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, बेनिफिशियरी वाले पे। दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फ़ोन नंबर भरने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना था। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ओटीपी आ चुका है, ओटीपी मैं भर दिया हूँ और यहाँ पे कैप्चा कोड भी भर दिया हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको परमिशंस मांगेगा, ठीक है, तो आपको अलाउ अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सर्च फॉर बेनिफिशियरी का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कीम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका स्टेटस दिया है, यहाँ पे आपको सब स्कीम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको स्कीम बाय दिया है और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे स्कीम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको PMJAY पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको सब स्कीम पे आपको PMJAY भी रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे स्कीम बाय पे यहाँ पे आप अपना आधार नंबर या फैमिली कार्ड, दोस्तों यहाँ पे आप अपना फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम और रूरल अर्बन, यहाँ पे आप फैमिली PMJAY आईडी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना आधार कर लीजिएगा और आधार नंबर डालेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल देंगे, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं वो नाम डाल देंगे और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भर देना है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे इन सब डिटेल्स को भरने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका सारा, मतलब आपके फैमिली में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपको यहाँ पे सारा लोगों का यहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड का लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है, यानी बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जिसका भी डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, सारे को दिया हुआ है, सबके आगे डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लेना है डाउनलोड नाउ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे आराम से, यहाँ पे डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करते ही आपसे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आधार ओटीपी है, आयरिस स्कैनर है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट है और यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। तो आपके पास जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे आप अपना आधार ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वेरीफाई पे फिर आपको क्लिक करना होगा, तो आप
को फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना है, अलाउ करना है, और यहाँ पे आपको फिर से दोस्तों क्या आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ओटीपी आ चुका है, तो दोस्तों आपको ओटीपी भर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुल ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक है, ओटीपी डालते ही ये आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, मतलब डाउनलोड के लिए ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके फैमिली में जितने भी आयुष्मान कार्ड हैं सारे लोगों का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, सभी लोगों का नाम यहाँ पे आ चुका है। आप जिस किसी का भी चाहता हो डाउनलोड करना तो उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस पे चाहते हैं वो क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन आपको ओपन हो चुके आ चुके हैं, डाउनलोड का, प्रिंट का, शेयर का। ठीक है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं किसी पर्सन को, या आप किसी शॉप पर गए हैं तो उसके नंबर पे शेयर करके आप यहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या आपको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, कोई भी ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहां पे डाउनलोड पे क्लिक कर ले रहा हूं, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड सक्सेसफुल। ठीक है, यहां पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहां पे देख सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होकर रेडी हो चुका है, यहां पे आपका पीडीएफ ओपन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे आयुष्मान नंबर, नाम वगैरह सब कुछ दे दिया गया है, सारा डिटेल्स बता दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आयुष्मान कार्ड को आसानी से घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।